हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कलिंग नेचर। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ओरिफ्लेम स्वीडन की एसेंशियल्स फेयरनेस प्रोटेक्टिंग फेस क्रीम का। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इट हैज़ नेचुरल पोमेलो एक्सट्रैक्ट्स। इट हैज़ एसपीएफ रेटिंग ऑफ 10 एंड नेट क्वान्टिटी इज़ 50 ग्राम। ये इस टाइप की वाइट एंड पिंकिश ट्यूब पैकेजिंग में आती है। अगर हम इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले ऊपर इन्होंने बताया है, यूज़ बिफोर डेट मेंशन की है। इसके शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स एंड इट रिटेल्स फॉर प्राइस ₹169। यहाँ पर इसके कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन की हुई है दोस्तों, और यहाँ पर बताया हुआ है कि अवॉइड आई एरिया एंड इट इज़ क्रिएटेड इन स्वीडन। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें दोस्तों तो ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है, और इसमें सिट्रस ग्रैंडिस फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, बट ये बहुत डाउन द लिस्ट है। इसका मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है, और इसमें पैराबेंस और सिलिकॉन्स भी है दोस्तों। सबसे नीचे यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है कि यू शुड यूज़ इट विद इन 1 ईयर आफ्टर ओपनिंग दिस प्रोडक्ट। आपको इसे 1 साल के बाद यूज़ नहीं करना है, उसके बाद ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये क्रीमी वाइट फॉर्मूला है। मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ दोस्तों। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी ग्लो प्रोवाइड करता है, और ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की इस क्रीम के साथ, तो वो बहुत अच्छा रहा। ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग और एक ग्लो इफ़ेक्ट देती है स्किन को, और ये काफ़ी अच्छी क्रीम है। हालांकि इसमें बायोलॉजिकल एक्टिव्स का यूज़ नहीं किया हुआ है, इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट कम्प्लीटली सिंथेटिक है ऑलमोस्ट, और इसकी SPF रेटिंग भी काफ़ी कम है। पर अगर आप इसे एक अच्छी सनस्क्रीन से फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। मैं इसकी ये सेकंड ट्यूब यूज़ कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी एक फिनिश कर चुकी हूँ दोस्तों। सो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो ये क्रीम आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। हाँ, ये ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है। हाँ, आपको ये कोई भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं देने वाली, ना ही ये स्पॉट्स को लाइटन करेगी, ना ही ये कोई एडिशनल फेयरनेस का काम करेगी, क्योंकि फेयरनेस क्लेम्स तो वैसे भी फॉल्स होते हैं, और ये ब्राइटनिंग का काम भी नहीं करेगी आपकी स्किन पर। ये जस्ट एक नॉर्मल रेगुलर क्रीम है दोस्तों। मुझे इसका ग्लो इफ़ेक्ट अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ यही चीज़ की वजह से ये क्रीम बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको भी अपनी स्किन पर ग्लो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगे अपने चीक्स पर, तो आप डेफिनेटली इसे एक ट्राई दीजिए। हाँ, ये कोई भी आपको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स नहीं देगी, ये जस्ट हाइड्रेट करेगी और एक अच्छी सी ग्लो देगी, टेम्परेरी ग्लो। अगर आप अपने स्किन कंसर्न्स के लिए कोई क्रीम देख रहे हैं, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। मैं इस क्रीम को रेट करना चाहती हूँ 3 out of 5। अगर आपको अपनी स्किन पर इंस्टेंटेनियस ब्राइटन अप लुक चाहिए और नरिशमेंट भी चाहिए तो ही आप इसे लें, अदरवाइज़ आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। सो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।